वेद टोटल कितने हैं भाई? टोटल हैं चार वेद, शाम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद माना गया है भाई। 1500 ईस्वी पूर्व में ये लगभग चालू हुआ था और 1000 ईस्वी पूर्व तक ये लगभग वेद के बाद आता है हमारा यजुर्वेद। अलग अलग व्याख्याकार हैं इसके वेदों के कि भाई वेद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। जो मेन किताब उसमें सबके मंत्र हैं, भगवान सूरज की गाना या उनके बारे में पढ़ाई करके गाने लिखे हुए हैं। अर्थवेद एकमात्र ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहते हैं। अर्थवेद की नमस्कार दोस्तों, मैं शिवशंकर शर्मा और दीक्षा अकेडमी मुंद्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का फिर से स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है वेद, और बहुत सारी चीजें समझते हैं, कभी मैथ, कभी साइंस, कभी कुछ, लेकिन वेद, वेद एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वेद को अगर समझा जाए तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो स्टडी है, स्टडी पढ़ाई जो है, ठीक है, पढ़ाई जो है वो स्टार्टिंग में कहां से चली थी, ठीक है, तो पढ़ाई वेद शास्त्रों से चली थी। कोई भी चीजों का संकलन, किसी चीज का, ठीक है, उसको हम वेद कह सकते हैं। जैसे सामाजिक हो गया, समाज के अंदर कैसे जीना चाहिए, रहना चाहिए, ये आर्थिक, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मतलब इकोनॉमिक सारी आ गई, ठीक है, फिर धार्मिक, धर्म चीजें जो भी आ गई, फिर राजनीतिक, पॉलिटिक्स, ठीक है, तो इस तरह की चीजों को समझना ही क्या है, वेद का संकलन है। तो वेद जो है वो स्टार्टिंग में किसने लिखे थे? वेद स्टार्टिंग में ब्राह्मणों ने लिखे थे। और ब्राह्मण किसे कहा जाता था? ब्राह्मण उस आदमी को, ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी, जिसे ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म क्या होता है? ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड। मेडिटेशन की बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनसे आदमी को ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है, अनुभव होता है। जो छोटा बच्चा होता है 5 साल का, उससे ज्यादा अनुभव होता है 15 साल के बच्चे को, 15 साल से क्या जो उम्र का बच्चा होता है उससे ज्यादा अनुभव होता है 25 साल के बच्चे को, ठीक है, 25 साल से युवा के जो अनुभव होता है उससे ज्यादा अनुभव होता है 50 साल के आदमियों को। तो यहाँ पे जो अनुभव की बात कर रखी है ये हो गया सामाजिक अनुभव, लेकिन आप अंदर शिक्षा ग्रहण करते हैं। पहले ऋषि मुनि अंदर की पढ़ाई के बारे में बताते थे, अध्यात्म ज्ञान के बारे में बताते थे, जिनके लिए बहुत सारी जगह जगह पे अलग अलग आश्रम खुले हुए हैं जहाँ पे आप तपस्या करने जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो धर्म से बंधी हुई हैं और वो अंदर का हमें ज्ञान देते थे, तो वेद भी इसी तरीके से हमें अंदर का ज्ञान देते हैं। तो वेद कितने हैं टोटल? तो टोटल वेद 4 हैं, और वेद को ब्राह्मण संहिता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने लिखा था। ब्राह्मण कौन हो गए? ब्राह्मण जिसे ब्रह्म का ज्ञान है, उनकी बातें की जा रही है यहाँ पे। तो ब्राह्मण संहिता भी कहा जाता था एवं संहिता भी कहा जाता था, संहिता भी इसे कहा जाता है। वेद टोटल कितने हैं भाई? टोटल हैं 4 वेद, शाम वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ऋग्वेद, ठीक है, ये 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताऊंगा कि किस वेद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हमारा वो आता है, तो ऋग्वेद जो है ना, इसके बारे में आपको जानकारी देता हूं। ये 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व का वेद माना गया है भाई। 1500 ईस्वी पूर्व में ये लगभग चालू हुआ था और 1000 ईस्वी पूर्व तक ये लगभग रहा था, यानी 500 साल तक इस वेद की मतलब जो समय सीमा है माना गया है ये है, मतलब इतना पुराना ये वेद है। यह सबसे प्राचीन वेद भी माना जाता है। यह एक ऐसा वेद है जो रचाओं में बुद्ध है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है, इस वेद के अंदर है ना, इस वेद के अंदर आपकी सारी ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है, जिसे आप पार्ट मान सकते हो। 1028 सूक्ति हैं और इतनी रचनाएं, 10,580 रचनाएं। इस वेद के पढ़ने वाले ऋषि को हुरुत कहते हैं। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया था, ठीक है, पहला जो मंडल था और 10वां जो मंडल था ऋग्वेद का वो बाद में जोड़ा गया था। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित किया गया है। ऋग्वेद का जो दूसरा मंडल है उसमें जो सूर्य भगवान है उनका एक प्रसिद्ध मंत्र है, गायत्री मंत्र, जिसे आप भूत प्रेत से डरते हुए गाते हैं। गायत्री मंत्र क्यों गाया जाता है? क्योंकि वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ आपको लेके जाता है, इसलिए हम उस गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। और ये सूर्य की देवता है जिसका नाम था सविता। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वां मंडल जो है उसमें चतुर्वर्णी समाज की संकल्पना का आधार लिया हुआ है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ भी माना जाता है। ऋग्वेद में जो ग्रंथ है इसको 2 ब्राह्मण ग्रंथों में
डिवाइड किया गया है, एक तो है ऐत्रेय, ठीक है, और दूसरा है कोसीत्की। ब्राह्मण जो थे उनके नाम के हिसाब से रखे गए थे। यूएनओ जो है हमारा, यूएनओ संगठन आपने सुना होगा, यूनेस्को, ठीक है, इस संगठन ने ऋग्वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में भी शामिल किया हुआ है। तो देख लो आप, इससे अपने को पता चलता है कि ऋग्वेद की कितनी मान्यता है और इसमें किस किस तरह की चीजें। फिर ऋग्वेद के बाद आता है हमारा यजुर्वेद, ऋग्वेद के बाद आता है हमारा यजुर्वेद। अलग अलग व्याख्याकार हैं इसके वेदों के, कि भाई वेद के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, जो मेन किताब उसमें से पढ़ पके और लोग इनकी व्याख्या करते हैं। तो इसमें यज्ञ के नियमों और विधानों का संकलन मिलता है, यही कारण है कि इसे कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। समझ गए? यानी भाई यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ और नियम, इनको कैसे किया जाना चाहिए, सारी चीजें इसमें डिटेल से दी हुई है, ठीक है, और इसीलिए इसको कर्मकांड वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद पद होगा तो दोनों भाषाओं में है। यजुर्वेद के दो भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष आपने समझा होगा। देखो जो महीना होता है ना, इसको दो हिस्सों में बांटा गया, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अमावस्या आती है जब 15 दिन कृष्ण पक्ष के चलते। जैसे अगर आप आज से लगाओ और आज मान लो चांद पूरा है, तो आज है भाई पूर्णिमा, ठीक है, क्या हो गई पूर्णिमा। अब पूर्णिमा से 15 दिन बाद आएगी अमावस, क्या आएगी अमावस। अमावस के दिन चांद बिल्कुल नहीं होगा, पूर्णिमा के दिन पूरा होगा और अमावस के दिन बिल्कुल नहीं होगा, क्या होगा कम होता चला जाएगा अमावस तक। फिर अमावस के बाद वापस पूर्णिमा आती है। तो पूर्णिमा से जब अमावस की तरफ चलते हैं तो उसे शुक्ल पक्ष कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं, और अमावस से पूर्णिमा की तरफ चलते हैं तो उसे शुक्ल पक्ष कहा जाता है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अदर्व्यु कहलाता है, यानी उसका नाम था अदर्व्यु। यजुर्वेद के प्रमुख उपनिषद कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतासवरोपनिषद तथा मैत्रायणी उपनिषद है। यजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास उपनिषद है, जिसके अंदर आध्यात्मिक चिंतन आपको मिलेगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, अगर आप इसको समझो तो ईशावास्य उपनिषद है, ये किताब है, ठीक है, यजुर्वेद की आप मान सकते हो, इसको बाजार में भी आपको मिल जाएगी और इसके काफी लेखक हैं अलग अलग। इसके अंदर ध्यान कैसे किया जाना चाहिए, मेडिटेशन कैसे किया जाना चाहिए, इन सारी चीजों का उल्लेख मिलता है। तो ये भी बहुत डिटेल से आप समझ सकते हो, इसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हैं समझने के लिए। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं, शतपद और तैत्तरीय, ठीक है, शतपद और तैत्तरीय ग्रंथ भी इसके अंदर है। इसके बाद आ जाता है हमारा सामवेद। जो सामवेद है इसमें ये क्या है, ये गायकार मतलब जो राइटर सिंगर्स जो होते हैं उनके लिए बेस्ट है। ये सात सुरों की उत्पत्ति इसी में माना जाता है, जो सात स्वर है ना अपने, सारे गाम पादानी सा, ठीक है, वो सात जो स्वर हैं वो इसी में से निकले हैं। सामवेद में कुल 1875 रचनाएं हैं, सामवेद में कुल कितनी रचनाएं हैं, 1875, यानी 1875 पार्ट्स इसके हैं। सामवेद के मंत्रों को गाने वाला उद्गात कहलाता है। इसमें मुख्यतः सूर्य स्तुति के मंत्र हैं, भगवान सूरज की गाना या उनके बारे में बढ़ाई करके गाने लिखे हुए हैं। सामवेद के प्रमुख उपनिषद कौन से हैं, छंदोग्य तथा जैमिनीय है। और सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश ब्राह्मण और षडविश ब्राह्मण, ठीक है, कौन कौन से हैं, एक तो है पंचविश और एक है षडविश, ये दो ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा अर्थवेद, ये चौथा और अंतिम वेद है। इसकी रचना अर्थ तथा अग्रीसन ऋषि द्वारा सभी ग्रंथों के बाद में की गई थी, इसलिए इसे अथर्व गिरस वेद भी कहा जाता है। इसमें 731 सूक्ति, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र हैं। अर्थवेद में लगभग 6000 मंत्र भी हैं। और इसमें आपको ब्रह्म ज्ञान यानी ब्रह्मांड के बारे में कैसे जाना जाए, इस तरह की चीजें, धर्म, समाज निष्ठा यानी समाज के अंदर कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए, दवाइयों का कैसे प्रयोग किया जाना चाहिए, रोग निवारण, जादू टोना वगैरह कैसे करना है, तंत्र मंत्र आदि विषयों के बारे में इसमें लिखा गया है। अर्थवेद एकमात्र ऐसा ब्राह्मण ग्रंथ है जिसे गोपथ कहते हैं। अर्थवेद के उपनिषद है मुंडूकोपनिषद और प्रश्नोपनिषद तथा मुंडूकोपनिषद भी है। मुंडूकोपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। यानी सत्यमेव जयते अगर आपको कभी भी कहीं पर भी प्रश्न में पूछा जाए कहाँ से लिया गया है, तो आप क्या कह सकते हो, अर्थवेद में लिया गया। अर्थवेद में पूछा जाए कहाँ से लिया गया, तो मुंडूक
उपनिषद में से लिया गया, मुंडोक उपनिषद में से क्या लिया गया, सत्यमेव जयते लिया गया। इसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा क्या होता है, देखो कोई कम्युनिटी है इकट्ठी होके कहीं पर बैठ जाती है तो उसको सभा बोलते हैं, जैसे पंचायत हो रही है, तो सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति मतलब जो समाज को संभालने वाला होता है उसको प्रजापति बोलते हैं। तो ये चार ग्रंथ थे, सॉरी वेद थे, जो कि ब्राह्मणों के द्वारा रचित थे। ब्राह्मण कौन था, जो जिसे ब्रह्म का ज्ञान था, और मैंने चारों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल से बताया। अगर आपको इनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप कहीं से भी ढूंढ सकते हैं, और इन वेदों को बाजार से आराम से खरीद सकते हैं, गीता प्रेस में से इनको खरीद सकते हैं, चारों वेद आपको मिल जाएंगे और इसके बारे में डिटेल से आप अधिक जानकारी निकाल सकते हैं। बिल्कुल हिंदी भाषा में और स्पष्ट भाषा में इसके बारे में लिखा गया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आज का पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल दीक्षा अकेडमी मुंद्रा, और हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों।